नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि उदयपुर को लेक सिटी या सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर काफ़ी सारी झीलें हैं। तो आज हम आए हैं ऐसी एक लेक पर जो कि बहुत ही कम एक्सप्लोर हुई है और काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इस लेक का नाम है उदय सागर लेक, जो कि उदयपुर सिटी से 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है उदयपुर की उदय सागर लेक, जिसका निर्माण महाराणा उदय सिंह जी ने करवाया था। जब उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह जी ने करवाई थी, उसी समय इस लेक का निर्माण भी शुरू हो गया था। तो इस लेक का इतिहास भी करीब 450 साल पुराना है। एक्चुअली में ये जो पानी है, इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक बड़ी सी, जो पहले ज़माने में दीवार बनाकर रोक दिया करते थे, एक तरह से इसको बांध बोल सकते हैं, तो वो बनाकर इसके पानी को रोक दिया गया था। उससे इस उदय सागर लेक का पूरा निर्माण हुआ था। महाराणा उदय सिंह जी ने इस लेक को सन 1569 में, मीन्स 1569 में बनवाना शुरू किया था और इसे बनने में करीब 3 से 4 साल लगे थे। और ये उदयपुर की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, या यूँ कह सकते हैं कि सबसे बड़ी झील ही है उदयपुर सिटी में। जितनी भी लेक्स है उनमें सबसे बड़ी ये उदय सागर लेक है। इसकी जो लंबाई है वो 4 किलोमीटर के आसपास है और इस लेक की चौड़ाई जो है वो 2.5 किलोमीटर है। और यहाँ सतह से इसकी गहराई अगर नापें तो 9 मीटर इसकी गहराई है। दोस्तों, उदय सागर लेक के बीच में वो जो आइलैंड है, वहाँ पर आजकल एक 5-स्टार होटल बन गई है, रेफल्स नाम की होटल है। इसकी पाल के दूसरी ओर यहाँ पर गार्डन बना हुआ है और ये लेक सिटी से थोड़ा दूर होने के कारण यहाँ पर काफ़ी शांत वातावरण रहता है। सिटी की भाग दौड़ से दूर अगर आप कोई शांत वातावरण में आकर थोड़ी देर बैठना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। इस लेक का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहते हैं कि जयपुर के कुंवर मान सिंह ने यहाँ पर खाने का आयोजन रखा था और उसमें महाराणा प्रताप को भी इनवाइट किया था खाने में, और वो इसलिए किया था ताकि खाने के दौरान अकबर की तरफ से वो उनसे बात कर सके कंप्रोमाइज़ करने के लिए। पर राणा प्रताप ने यहाँ आने के लिए और खाने में शामिल होने के लिए मना कर दिया था, तो इससे कुंवर मान सिंह ने अपनी इंसल्ट समझकर उस खाने को सारा फिकवा दिया था और यहाँ से चला गया था। और उसके बाद से जो है हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था वो लगभग तय हो गया था कि अब युद्ध होना ही है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो ये यहाँ का एक ऐतिहासिक महत्व भी है, इसी पाल पर उस भोजन का आयोजन किया गया था। ये वो वाली जगह है जहाँ पर जब ये लेक बरसात में पूरी भर जाती है तो इसका पानी इस जगह से ओवरफ्लो होता है और यहाँ से पानी ओवरफ्लो होकर आगे जाता है, तो ये बेड़क्ष नदी के रूप में जाना जाता है। यहाँ के पानी का पीने के लिए उपयोग होता है और इसके साथ ही आसपास के जो गांव हैं उनमें भी ये इरिगेशन के लिए सप्लाई किया जाता है। जैसे वो सामने वहाँ पे नहर जा रही है, वो गांव में सिंचाई के लिए इसका पानी जा रहा है और बाकी जो एक्स्ट्रा पानी है वो इस तरह से आगे नदी में होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ से इस नदी का नाम बेड़क्ष नदी हो जाता है। यहाँ से आसपास का अरावली के पहाड़ों का और गांव का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। इसकी पाल के दोनों किनारों पर दो मंदिर बने हुए हैं, एक उस साइड एक इस साइड, जो कि काफ़ी पुराने मंदिर हैं। ये मंदिर तो अभी बंद है, इसमें हम नहीं चलते हैं। और इसकी जो पाल है, पाल के जो अपोजिट दूसरी साइड में जो मंदिर है वो अभी ओपन है, उसमें हम चल के आते हैं।
पाल के दूसरी छोर पर एक मंदिर है कृष्ण भगवान का, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही उत्कृष्ट इस पर नक्काशी की हुई है। आज संडे है तो काफ़ी भीड़ है दर्शन करने वाले और घूमने वाले यहाँ पर आए हुए हैं। उदयसागर लेक को भरने का जो मेन सोर्स है वो उदयपुर के गोगुंदा के अरावली पहाड़ों से आने वाली आहर नदी है। ये सामने जेटी लगी है जहाँ से बोट से उस होटल तक जाया जाता है, जो होटल मैंने आपको दिखाई थी पाल से रेफल्स नाम से एक 5-स्टार होटल है। और ये देखो एक बड़ी सी नाव में पूरी ट्रक लोड कर रखी इन्होंने, वहाँ कुछ भी सामान पहुँचाना होता है तो इस तरह से पहुँचाते। तो दोस्तों अभी हम लोग थे उस जगह पे पाल पे, और तो अभी मैं थोड़ा सा दूर आ गया हूँ और यहाँ से लेक के और भी खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं।